अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो है श्रीलंका के बॉम्बिंग के बारे में, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मर गए, विच मेनली कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज, बच्चे, औरतें और जो सिविलियन लोग थे। 8 ऑर्केस्ट्रेटेड ब्लास्ट हुए थे पूरे श्रीलंका में, अलग अलग जगहों पर, चर्चेस और जो 5-स्टार होटल्स थे इनको टारगेट किया गया। ये डेडलीस्ट अटैक हुआ अभी तक श्रीलंका में, और ये 8 के 8 सुसाइड मिशन निकले। किसने किया, क्यों किया, कौन हो सकता है इसके पीछे, इसके बारे में अब हम और आप देखेंगे आगे वीडियो में। April 21 को ब्लास्ट हुआ था और कंटिन्यूसली हमें मैसेजेस आना स्टार्ट हुए थे, इनबॉक्स बहुत आए, कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोग श्रीलंका पे क्यों नहीं बना रहे, हाउ कम पुलवामा और न्यूजीलैंड के हुए जब आप 2 दिन के अंदर बना दिए थे, लेकिन श्रीलंका के लिए आप जितना हो सके आप अवॉइड क्यों कर रहे, क्योंकि क्या इसमें मुस्लिम्स का हाथ था पीछे मारने का? बात वैसी नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, सॉलिड एविडेंस बाहर नहीं आ रहा था कि हु डिड इट, कोई क्लेम नहीं कर रहा था इसके बारे में, और बहुत कंफ्यूजिंग अटैक था है, क्योंकि कोई मोटिव नहीं दिखा इसमें, कोई इसके अंदर लिंकअप दिख रहा नहीं था लोगों को। पहले हम पूरा प्रूफ के साथ इसको जमा करते हैं, क्योंकि हम वीडियो बैठे बैठे ऐसी ये वो न्यूज चैनल्स की तरह कुछ भी बना नहीं देते अनलेस वी हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। 21 अप्रैल 2019, ये था ईस्टर संडे। ईस्टर का मतलब क्रिश्चियनिटी में होता है द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जीसस को क्रूसीफाई, मतलब उनको मार दिया गया था, और आफ्टर बरियल 3rd डे को उनको वापस राइज किया गया, द रिजरेक्शन। तो क्रिश्चियंस यूजुअली इसको सेलिब्रेट करते हैं नोन एज द ईस्टर, और ईस्टर संडे था। और जैसा आपको पता होना चाहिए, ईस्टर कैसा दिन रहता, जो बहुत होली डे है इनके लिए, तो जितने फैमिलीज होते हैं क्रिश्चियंस के, जितने क्रिश्चियंस होते हैं, ये लोग पूरे चर्च, पूरा प्रेयर जो है अटेंड करते हैं मॉर्निंग में। और फैमिलीज का मतलब है कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे जो थे। श्रीलंका में किस तरह से पॉपुलेशन है ये एक ब्रेकडाउन देता हूं आपको। बुद्धिस्ट जो है 70% कंसिस्ट करते हैं, हिंदूज 13%, मुस्लिम्स 10%, और क्रिश्चियन जो है रफली 7% है। अटैक्स कहां कहां पर हुए ये आपको पहले बताता हूं। 3 चर्चेस में अटैक्स हुए। दूसरे थे होटल्स, 5 ऐसे रिसॉर्ट्स और होटल्स है मिलाकर, 5-स्टार होटल्स को टारगेट किया गया था, जो रिसॉर्ट्स थे उसको टारगेट किया गया। 250+ अभी तक जो लोग मरे, इनिशियल 350 दिया गया था, लेकिन कल फिर एक रात को रिवाइज रिपोर्ट आई कि 100 मिसकैलकुलेट हो गया, इट इज 250+ जो मर चुके, 500 से ज्यादा इंजर हुए, उसमें से करीब 40+ जो है सिर्फ टूरिस्ट थे इसमें। और एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यहाँ से आपको पूरा एंगल एक समझना आएगा कि कौन थे और किस तरह से हो रहा था। ये था एक सस्पेक्टेड बॉम्बर के घर पे, जब ये लोग जब सर्च के लिए गए पुलिस वाले उसी वक्त सुबह में, उसने एक सुसाइड ब्लास्ट किया। जैसे पुलिस वाले एंटर किए, वो खुद भी प्रेग्नेंट थी, उसके 3 बच्चे भी थे, मतलब कि सबको लपटा के एक साथ अपने आप को ब्लास्ट कर ली। तो देखा गया, तो जब 3 पुलिस वाले मरे, अभी तक जितने आप कैजुअलिटीज के बारे में देख रहे, दीज आर ऑल इनोसेंट सिविलियंस, मासूम लोग थे। श्रीलंका इंस्टेंटली कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि कई लोग जो रहते हैं दुश्मनी क्रिएट करने के लिए, या केओस क्रिएट करने के लिए, या पैनिक क्रिएट करने के लिए, ऑपोजिशन हो सकता, या इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो सकते, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते, सो जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। कौन थे ये लोग जो सुसाइड बॉम्बिंग किए, इनका मोटिव क्या था? एक्चुअल में 9 सुसाइड बॉम्बर्स थे, जिसमें से 8 चर्चेज में, होटल्स में अटैक किए थे, और एक जो थी ये प्रेग्नेंट लेडी, जिसके बारे में मैं अभी बताया था। प्रॉब्लम ये था कि इनिशियल 3-4 डेज तक कोई वीडियो या कोई वेबसाइट पर कुछ भी मोटिव नहीं आ रहा था कि हु अटैक्ड, क्यों किए, इसका मकसद क्या था। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी कहा गया था कई सारे वेबसाइट्स पर कि इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स का हाथ हो सकता, क्योंकि ये लोग भी क्रिश्चियंस के साथ कुछ नोकडोक चल रही थी इनकी कुछ महीनों से। लेकिन ये वीडियो बनने से एक ही दिन पहले अमाक न्यूज एजेंसी, जो है इस्लामिक स्टेट का न्यू वेबसाइट पोर्टल है, जहां पर ये पूरा अपना अपडेट देते रहता है, इन्होंने क्लेम किया कि ये इनका काम था और इन्होंने NTJ के थ्रू ये काम करवाया। NTJ क्या है ये आपको बोलता हूँ, ये है नेशनल तौहीद जमात, जिसका फाउंडर है जहरान हाशमी, 40 साल का आदमी था। जहरान हाशमी के बारे में जब एरिया में भी लोकल्स को पूछे तो वो यही बताए कि वो मस्जिद में बहुत परेशान करके रखा था सबको अपने अजीब सी आइडियोलॉजी से, मतलब बस ये नॉन मुस्लिम है या कुछ ये लोग है तो इनको मारना जरूरी है, जो इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि स्पेशली आप देखा गया तो कोई फोर्स से लड़ा नहीं जा रहा, बल्कि मासूम बच्चों को और औरतों को, जिनका कुछ लेना देना नहीं था इस चीज से, उनको मरवाया जा रहा बिना मोटिव के। इसका जो वीडियो रिलीज हुआ वो ये है, जहरान हाशमी ठहर के अपने साथ जो 7-8 लोग है उसके साथ ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा एक काम होने वाला है, जो पागल के हिसाब से हादसा है इसके लिए बहुत अच्छी चीज है बताए। नेशनल तौहीद जमात के बारे में छोटा आपको आइडिया देता हूँ,
जो जनरल तौहीद जमात है, तो उस जमात से ये निकाल दिया गया था क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी बहुत ही खराब और सिर्फ मतलब बस मारना मरवाना सामने वाले को, इस तरह से बात कर रहा था। तो अलग से एनटीजे नेशनल तौहीद जमात अपना फॉर्म कर लिया था और ये ऑलरेडी रेडार में था श्रीलंकन ऑफिशियल्स के, क्योंकि वहां के जो मुस्लिम्स भी थे वो भी कंप्लेंट कर रहे थे कि पागल हो जा रहा है, लेकिन ही वाज स्टिल केप्ट अंडर रेडार और वो गायब हो गया था फिर। तो जहरान की खास बात यह है कि वो प्रीच ऑनलाइन करना स्टार्ट किया। जब जहरान की बहन को अप्रोच किया गया, जहरान की खुद बहन शॉक होकर बोली कि मुझे भी नहीं पता था कि वो इसके पीछे, लेकिन अलबत्ता कुछ दिन पहले वो अपने माँ बाप को लेके गायब हो गया वहां से। मतलब क्या बोल सकते हैं ना कि ये भी एक क्लियर अंडरस्टूड है कि कुछ हादसा करने वाला है तो पहले अपने माँ बाप को लेके हट गया। उसकी बहन उसको सपोर्ट नहीं करती थी चीज में, तो उसको वहीं रहने दिया। अब आते हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे थे और इसका मोटिव क्या था, मतलब इतना बड़ा अटैक क्या मकसद क्या था इसका। श्रीलंका के कुछ ऑफिशियल्स इनिशियली ये बताए कि दिस वर इन रिटेलिएशन टू द न्यूजीलैंड मॉस्क अटैक, मतलब के ये बदला था न्यूजीलैंड में जो ब्रेंटन टारेंट नाम का जो पागल है उसने मस्जिद में जो लोगों को मारा था, तो उसका बदला जहरान हाशमी यहाँ पर चर्च में मार के लिया। अगर आपको इनके ज्यादा डिटेल चाहिए ब्रेंटन टारेंट किस तरह का पागल था और उसका क्या मोटिव था, ये देखिए लिंक बहुत बहुत डिटेल में इसके बारे में हमने वीडियो बनाया। लेकिन दूसरे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे कि बदला नहीं हो सकता क्योंकि इतना ऑर्केस्ट्रेटेड इतना ऑर्गेनाइज्ड अटैक इतनी जल्दी नहीं कर सकते ये लोग। दूसरी बात ये है, आमाख वेबसाइट जो है वो ये बताए कि ये बदला था क्रिश्चियंस और जो कोलिशन फोर्सेस के खिलाफ जो सीरिया इराक उन पर अटैक करे। ये बहुत बड़ी सेंसलेस बात इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि श्रीलंका के जो क्रिश्चियन फैमिलीज है वो लोग क्या करे थे इस चीज के लिए, उनका तो कुछ वही नहीं काम लेना देना। और अगर आपको किसी कंट्री का अटैक आपके कंट्री पर हो रहा, हाँ नो डाउट इराक सीरिया में मासूम बच्चों को मारा जा रहा, बॉम्बिंग्स हो रहे, आपको बदला लेना चाहिए था उनके फोर्सेस से। अगर आपका वो मकसद है बेगुनाह लोगों को बच्चों को मार दे रहे, कई सारे बच्चे थे इसके अंदर, कई सारे छोटे बच्चे थे, तो यही मालूम हो रहा कि ये साले ब्रेन वॉश नहीं, ये पागल हो गए लोग। इसमें ये होता कि एक जो दुनिया का जो एक साइकोलॉजी है कि हाँ सारे मुस्लिम ऐसे होते, जैसा हमने इससे पहले भी बताया इस्लामोफोबिया के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, आसान नहीं है वीडियो, जैसा आप लोग बोल रहे हैं जल्दी वीडियो होना है, इट्स नॉट इजी, बहुत डेटा उसका लेना पड़ता है, इट्स अ हेवी वीडियो बनाएंगे, बहुत जरूर हम बनाने वाले इसके बारे में कि इस राइस ऑफ इस्लामोफोबिया क्यों हो रहा है। उनमें से इस टाइप के जो इडियट्स है ये दे प्ले अ मेजर रोल के सामने वाला हम मुस्लिम्स के खिलाफ भी होना शुरू हो जा रहा। अब आप भी बोलेंगे एज अ लेमन ये बोलेंगे कि हाँ भाई वहां पे मार रहे थे तो या सिक्योरिटी फोर्स या आर्मी को अटैक करने की जगह जो मासूम लोग है पूरे जो सिविलियंस है जिनका डेली जॉब अपनी लाइफ है उनके चर्च में जाके वो भी एक एक प्लेस ऑफ वर्शिप में जाके आप मार रहे हैं उनको, मतलब इतना मासूमियत का फायदा उठा रहे। इस्लाम में तो ऐसा कहा नहीं गया और इस्लाम में बिल्कुल गुनाह है इस तरह से आप अगर मार रहे, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। अगर देखा गया तो सिर्फ 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पुलिस वाले इसमें मारे गए, वो भी कैसा, जब वो लेडी जो सुसाइड बॉम्बर की वाइफ थी, जब लेडी को जा ये लोग सर्च करने गए उसके घर पे, तो वो अपने आप को अपने बच्चों को लेके उड़ा ली, मतलब उसको मरना ही था, वो इरादा करके थी मैं मेरे बच्चे सो मर जाएंगे, खुद भी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दे हैड प्लान फॉर अ चाइल्ड और ये सडनली रिसेंटली ये प्लान बना के नहीं पूरों को मरना है, वरना दे वुड हैव नेवर प्लान फॉर अ चाइल्ड, लॉजिक यूज कर सकते आप ये चीज में। तो ये इन एक्सट्रीम ब्रेन वॉश हुआ, ये गधों का जो ब्रेन वॉश हुआ, ये जो बॉम्बर्स थे जहरान हाशमी जो ऑर्केस्ट्रेट किया, ये तो था ही पागल, लेकिन गौर कर आप खुद के माँ बाप को सेफ्टी में हटा लिया, अगर तेरे को उतना ही जंग का इरादा था तो रहने देना था उनको, दूसरों के बच्चों को माँ बाप को मार दिया, खुद के माँ बाप को अलग बाजू लेके हट गया, अकलमंदी नहीं, इसको बोलते हिपोक्रेसी। और देखो आप जो सीरिया में इराक में बॉम्बिंग भी हो रहा, इसमें अमेरिका का हाथ है, वो मेन कोलिशन फोर्स का मेन वो है जो लीडर है, श्रीलंका के चर्च की एक जॉब वर्किंग फैमिली कहाँ से इसमें पार्ट हो गई, कंप्लीटली सेंसलेस, कंप्लीटली बाज्ड और इडियोटिक किस्म के ये हरामी ब्रेन वॉश लोग हो गए आजकल, जो समझ रहे कि कहीं भी सुसाइड बॉम्बिंग कर लो इनका मकसद पूरा हो गया, मकसद कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है, भी सो मुस्लिम्स परेशान होना शुरू हो जा रहे क्योंकि देखो ऑलरेडी मुस्लिम्स परेशान है कई जगहों पर, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, अरब कंट्रीज एक दूसरे से लड़ ले रहे, साथ ही साथ जो बाकी के मुस्लिम्स है नो वन इज देयर टू सपोर्ट देम क्योंकि कोई एक सिंगल वॉइस नहीं, अगर आप देखें देर इज नॉट अ सिंगल वॉइस, एक सिंगल लीडर मुस्लिम्स का जो वॉइस कर सकता, जब आप लीडरलेस है हर जना आप पे वार आराम से कर सकता, ये भी एक बेसिक रीजन है कि मुसलमान हर जगह आप मार खा रहे, बहुत डरे हुए, साइकोलॉजिकली डरे हुए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग,
और अटैक से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, चर्च पे मार के आप वहां के फेथ को इंटर एक रिलीजियस वॉर स्टार्ट करना, अगर लोग रिएक्ट करना शुरू करें तो क्रिश्चियंस दुश्मन होना शुरू हो जाते हैं वहां के मुस्लिम्स के, जाहिर सी बात है। तो आप आपका तो कोई काम हो रहा नहीं, साला खुद मरते मरते सामने वालों को परेशान करके और फसाद करके निकल गया। लेकिन फिर भी श्रीलंका की गवर्नमेंट बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रही है और वहाँ के लोग बहुत कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं इस चीज़ में कि नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हुआ। और मुस्लिम्स जो लोकल है, सबसे ज़्यादा देखा गया तो ब्लड डोनेशन के लिए अभी फिलहाल मुस्लिम्स की में ठहरे हुए हॉस्पिटल्स के बाहर जो इंजर्ड है वो लोगों को देने के लिए। इंटेलिजेंस की बात आई तो यहाँ पर भी एक शॉकिंग चीज़ हुई। श्रीलंका को इंडियन इंटेलिजेंस ने 4 अप्रैल को रिपोर्ट दिया था कि तुम्हारे पास चर्चेस पे बॉम्बिंग हो सकती, अटैक हो सकता। संडे से एक रात पहले भी इंडियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया था श्रीलंका ऑफिशियल्स को कि देयर इज अ वेरी बिग चांस कि तुम्हारे पास चर्चेस पे अटैक हो सकते। व्हाट डिड श्रीलंकन गवर्नमेंट डू? रिपोर्ट आज तक कभी बाहर नहीं। अब रीजन क्या दिया जा रहा, ये बोल रहे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई है, तो हो सकता है इस लड़ाई के बीच में वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बाजू रख दिया गया। तो हाउ कम वहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको अंजान मार रहा? तो एक्सपर्ट्स यही बता रहे कि इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के शायद इस वक्त के हिसाब से बॉम्बिंग किया गया, या मालूम रखते हुए भी इसको साइडलाइन किया गया, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट इस चीज़ के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे कि हो सकता नॉट कन्फर्म कि शायद ये अटैक होने वाला था तो शायद इनको अनजान मारा गया कि अटैक हो ताकि आगे डिस्टेबलाइज हो जाओ इकोनॉमी या इनकी गवर्नमेंट गिर जाओ पूरी तरह से, बोल नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। बार बार इसमें क्या होता है, एक गधे को सामने रख के, गधे को इस्तेमाल करके लोग अपना मोटिव भी पूरा कर सकते। रिजल्ट क्या हुआ, ये जो मोटिव था इतने अटैक्स हुए, रिजल्ट में क्या हुआ, क्या कोई मोटिव पूरा हुआ? मतलब जो जरान हाशमी एनटीजे का जो मोटिव था कि नहीं कोलिशन फोर्सेस हमारे इराक में मार रहे तो हम तुमसे ऐसा बदला लिए, उल्टा रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के जो मुस्लिम्स कई सारे मस्जिद को नमाज तक पढ़ने बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि वो लोग डरे हुए एक बैकलश के लिए, सेंसलेस अटैक था। तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स रहते हैं वो भी फैमिलीज है, वो भी ये सोचते हैं हम पे भी वही अटैक हो गया क्या। रिजल्ट और क्या हुआ, कई लोग ये बता रहे कि जैसा ब्रेंटन टारेंट, वो तो पागल था साइको, व्हाइट सुप्रीमेसी के लिए वो मस्जिद में अटैक किया, हो सकता ब्रेंटन टारेंट की जगह कोई क्रिश्चियन जो है वो ये अटैक को देख के बोलेगा नहीं अब मैं भी मस्जिद में मारूंगा जाके। फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान मुस्लिम्स का ही हुआ इसमें। हम खुद भी इस अटैक के खिलाफ ओपनली बोलते कि दिस इज नॉनसेंस और ये बिल्कुल गलत हुआ, इनोसेंट लोग मारे गए इसमें। और एक खास बात आपको बताते हैं, इस्लाम कभी फैलता नहीं अगर इस तरह से अटैक्स या जैसा बताते ना जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री बोलता हूं मैं, मतलब झूठी हिस्ट्री है, तलवार के नोक पे आदमी को मुसलमान बनाया गया, इस्लाम फैलाया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्लाम में हमारे पास एक रूल है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट हमारे नॉन मुस्लिम्स के लिए, फोर्स्ड कन्वर्जन इज नॉट अ कन्वर्जन हमारे इस्लाम में। दिल से अगर एक आदमी बोलता है कि अल्लाह मेरा खुदा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट द लास्ट प्रॉफिट है, दिल से अगर बोला ही बिकम्स अ मुस्लिम, नहीं जबानी बोला जा रहा उसको झूठा, उसको तलवार के नोक पे बोला जा रहा तो कभी मुस्लिम होता नहीं। तो फिर फोर्स कन्वर्जन करवाने वाले को फायदा ही नहीं है इसमें, तो एक तरह से ये भी झूठ है। और इस तरह से बॉम्बिंग करके इस्लाम का फैलना इज नॉनसेंस। जैसा आप न्यूजीलैंड के अटैक के वक्त देखते, वहाँ के लोग तरस खाए और इस्लाम के बारे में पढ़े, 9/11 का हादसा हुआ, लोग अजीब फील करे, मिडल ईस्ट में बॉम्बिंग हो रहा था तो लोग इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम की खूबसूरती जब मालूम हुई उनको, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। कोई भी तलवार के नोक पे या इस तरह से दहशतगर्दी करके इन हरामियों की वजह से जो दहशतगर्दी हुई उससे तो कोई मुसलमान होता नहीं, उल्टा इस्लाम से लोग थोड़ा नफरत करके दूर हट जाएंगे जो नॉन मुस्लिम है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। लैक ऑफ सिंगल लीडरशिप, लैक ऑफ अ सिंगल वॉइस फॉर मुस्लिम्स, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई देने वाला नहीं आज, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेप ले रहे कि एटलीस्ट हम मेहनत करके आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, आपको कोई भी नहीं देता ज़्यादा। राइस ऑफ इस्लामोफोबिया, जिसका दूसरा मतलब है हेट्रेड अगेंस्ट इस्लाम, यानी तो एक चिड़ इस्लाम, ये क्यों होता, किस तरह से होता और इसका मकसद क्या है, बहुत जल्द हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। बीन अ मुस्लिम माई सेल्फ कम्प्लीटली इस चीज़ को डिसएग्री करते और बिल्कुल हम खिलाफ है इस तरह के अटैक के, क्योंकि आपका कोई फोर्स या गवर्नमेंट से कोई वॉर ही नहीं है मासूम बच्चों को और औरतों को मारने में, इस्लाम बिल्कुल मना किया। एंड वी होप अल्लाह ताला बदतर से बदतर हशर करे जो इस तरह से मासूमों की जान ले। तो फिर टेक केयर एंड वील बी बैक सून। अगर आप नए हमारे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए आपका ओपिनियन क्या है नीचे, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, शेयर करो आप लोग। तो फिर जब तक, फिर टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।